जाने की तैयारी हो गया। कल सुबह सुबह 3:30-4:05 बजे में निकल जाऊंगा यहाँ सुबह सुबह। यहाँ से टेम्पू पकड़ेंगे, टेम्पू से 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे, फिर 9:30-9 बजे स्टेशन से ट्रेन है मेरा। थोड़ा बहुत सामान तो पैकिंग हो गया और थोड़ा थोड़ा बाकी है, आज रात को जो भी है पैकिंग कर दूंगा। इधर के रास्ता बहुत नेरो है यार हमारा गांव का। मैं इधर से इसलिए जा रहा हूँ कि रोड की तरफ जाऊँगा ना, तो रोड पूरा कचरा है, पूरा गाड़ी जाके पूरा पूरा कचरा है, उधर जाने को मन नहीं होता है और जाएगा भी तो पूरा कीचड़ हो जाता है, इसलिए मैं यही रास्ता पकड़ता हूँ। ये रास्ता हमारा रोड से बेहतर है, बहुत बढ़िया है, इसलिए इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ। और जब से मैं गाँव को आया मैं हमेशा शाम के टाइम यही रास्ता पकड़ता हूँ जब भी आना जाना होता है इधर को। सुबह तो मैं इधर ना आता हूँ इस वाला रास्ते में इधर, लेकिन शाम को टाइम थोड़ा उधर चला जाता हूँ। देखो कैसा कचरा है, देखो रास्ता। ऐसा है हमारा गांव का रास्ता, कोई बारिश नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन रास्ता देख रहे हो रास्ता पूरा कचरा है, इसलिए मैं उधर से आया रोड से नहीं आया। पहले तो मैं घूमने के लिए जाता था हर शाम को, लेकिन जब अभी आया ना मैं गांव तो नहीं गया, एक भी दिन घूमने के लिए नहीं गया। शाम के टाइम में हमारा गांव में मंदिर में ऐसा घंटी बजता है। दे रे बाबू रस सजी रखिया कौन कल रे पूरा बैग पैक हो गया और कुछ बाकी है, और कुछ आदमी सामान देने वाले हैं।